दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने एरो सिटी तुगलकाबाद के छत्तरपुर मंदिर स्टेशन पर ब्रेक थ्रू समारोह में भाग लिया। साथ ही परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी दिल्ली मेट्रो के टनल ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि मैं डीएमआरसी की और पूरी टीम को इस ब्रेक थ्रू के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज छतरपुर और छतरपुर मंदिर के बीच में जो 865 मीटर का लंबा रास्ता है उसे डीएमआरसी ने प्राप्त कर लिया है। उन्होंने लगभग 5 महीने में इस चैनल को बनाया है जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। ऐसी घटनाएं जनता को दिखानी चाहिए क्योंकि जब तक लोगों को पता चलता है कि कितनी चीज़ें लगी हैं, मेहनत लगी है इसको बनाने में, तब वे उसकी ज़्यादा कदर करते हैं। अगर मैं कहूँ कि दिल्ली मेट्रो दिल्ली में लाइफ लाइन बन गई है तो मैं गलत नहीं कहूँगा। हम कोशिश करेंगे कि डीएमआरसी का नेटवर्क दिल्ली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। मैं सबसे पहले डीएमआरसी और उनकी पूरी टीम को इस अचीवमेंट के लिए, इस ब्रेक थ्रू के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज छतरपुर और छतरपुर मंदिर के बीच में जो 865 मीटर का जो लंबा रास्ता है उसको डीएमआरसी ने अचीव कर लिया। जो करीब 5.5 महीनों में उन्होंने इस टनल को बनाया है, ये अपने में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और आज ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है इसको आज पब्लिक ने देखा है। और मैं अभी जब डीएमआरसी के सीएमडी से बात कर रहा था उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ऐसे इवेंट्स दिल्ली की जनता को दिखाने चाहिए, क्योंकि जब लोगों को मालूम पड़ता है कि कितनी मेहनत हुई है किसी काम को बनाने में, तब उसकी उनको वैल्यू समझ में आती है। तो जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा उसको हम पब्लिक डिस्प्ले पे लाएंगे, सारे स्टेशन में उसको दिखाया जाएगा, जगह जगह जो बड़े बड़े चौराहे हैं वहां पर भी हम स्क्रीन को लगाएंगे और उसको दिखाएंगे, जिससे पब्लिक को भी मालूम पड़े कि डीएमआरसी क्या कर रही है और कैसे कर रही है। जहां तक डीएमआरसी का सवाल है, आप सबको मालूम ही है कि डीएमआरसी इस वक्त अगर मैं कहूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली की लाइफलाइन बन गई तो शायद गलत नहीं होगा। कल का अचीवमेंट उनका 72 लाख जो पैसेंजर्स हैंडल करने का है और धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है। जो कभी 65 लाख हुआ करता था वो 72 लाख हुआ और आजकल 76 लाख कल हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो डीएमआरसी की जो है वो एक्यूरेसी है, जो टाइम पर चलना जो है उनका सबसे बड़ा यूएसपी है, क्लीनिंगनेस उनकी बहुत बड़ी यूएसपी है। तो ये ग्रो कर रहा है और हम इनको जितना सपोर्ट हो सकता है देंगे और ये कोशिश करेंगे डीएमआरसी का नेटवर्क जो है दिल्ली के अंदर ज्यादा से ज्यादा बढ़े, जिससे कि पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल हो, लोग इसे अचीव करें और आने जाने के लिए जो है व्हीकल्स को ना यूज करके मेट्रो को।